कृषि कानूनों को लेकर पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ऐसे में दिल्ली की सर्द हवाएं और कम होता तापमान बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे जवानों को परेशान ना कर सके, इसके लिए टिकरी बॉर्डर पर आउटर जिला पुलिस की ओर से जवानों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए टेंट लगाए गए हैं। जवानों की सहूलियत और सर्द हवाओं से उनको बचाने के लिए पुलिस की ओर से टेंट के अंदर छोटे बड़े कई गैस हीटर भी लगवाए गए हैं, जिससे जवानों को काफी राहत मिल रही है। इसके अलावा बॉर्डर पर तैनात जवानों को विभिन्न कंपनियों में बांटा गया है, जो निरंतर एक एक घंटे के अंतराल पर बदल बदल कर ड्यूटी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में आउटर जिला के एडिशनल DCP आनंद कुमार मिश्रा ने क्या बताया। जैसा कि आपको पता है, यहाँ टिकरी बॉर्डर में पिछले 25 नवंबर से हमारा अरेंजमेंट लगा हुआ है, जिसमें हमारे दिल्ली पुलिस के जवान और हमारे पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पर लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों से अभी काफ़ी तेज, जैसा कि देख रहे हैं, बहुत ठंड बढ़ गई है, सर्द हवाएं चल रही हैं। इसके लिए हमने इनके की स्वास्थ्य इनका ठीक रहे और ये बराबर ड्यूटी देते रहें, इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ बड़े बड़े टेंट लगवा दिए हैं, जिससे रोटेशन में ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ लोग एक कंपनी जैसे बाहर रहती है और 2-3 कंपनी अंदर टेंट में रहती है, जिससे वो कम से कम हम उनको एक एक घंटे के रोटेशन में उनको रेस्ट दे देते हैं। और उस टेंट के अंदर हमने कई गैस हीटर लगवाए हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे गैस हीटर लगवाए हैं, जिससे वो सर्द हवाओं से बचें और अंदर आकर के उनको जब वो गैस में बैठेंगे तो उनको गर्मी लगेगी। इसके साथ साथ हमने कुछ लकड़ी के कॉट लगवा दिए हैं, जिसमें वो आराम से बैठ सकें, रेस्ट कर सकें और जिससे ठंड में उनको किसी भी तरह की कोई ड्यूटी करने में समस्या ना हो।